हेलो बच्चों, विनय मिश्रा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग बातचीत करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि आज हम लोग केमिस्ट्री का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो होगा आपका इम्पॉर्टेंट गैसेज, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं, हर साल आते ही आते हैं। तो मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, मेनली हम लोग किन किन गैसेज के बारे में पढ़ना है। देखो, आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सब लोग जहाँ पे हैं जैसे हैं वैसे ही रेगुलर क्लास ले रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स की क्लासेज मिल रही होंगी रेगुलर, और मैथ्स की क्लासेज मिल रही होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि विनय सर पढ़ाइए। तो कुछ अनअवॉइडेबल इशू की वजह से हम घर आए थे इमरजेंसी में, बाकी की आप लोगों को क्लास में लूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे इम्पॉर्टेंट गैसेज जो केमिस्ट्री का पार्ट होगा। इम्पॉर्टेंट गैसेज में कौन कौन से होंगे, जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं, कौन कौन से गैसेज हम लोग पढ़ने हैं। पहले मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन गैस पढ़ना है, नाइट्रोजन गैस पढ़ना है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस पढ़ना है, क्लोरीन गैस पढ़ना है, ठीक है, और अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या पढ़ना हम लोग को, हाइड्रोजन क्लोराइड। इतने सारे गैस हम लोग को पढ़ने हैं और यहाँ से एकदम क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यानी मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ बिल्कुल आप लोग रट लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, एक एक टॉपिक एक एक गैसेज को क्लियर करूंगा, कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। बहुत सारे कमेंट्स मैसेज लाइव क्लास में बच्चे बस यही पूछ रहे हैं कि विनय सर कब आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम जहाँ पे हैं जैसे भी आप लोगों के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या है, ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बातचीत करूँ, ठीक है। अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बातचीत करूं तो क्या हो सकता है, इट इज़ अ कलरलेस, जो हाइड्रोजन गैस है हमारा, डायटोमिक H2 होता है, आपको पता है कि H2 में ही का एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या इट इज़ अ कलरलेस, क्या है भाई कलरलेस, बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को करने और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यानी कौन सा होता है, ये कलरलेस होता है, ओडरलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस, एकदम अच्छे से प्रॉपर्टी को देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्टलेस यानी इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, क्या है, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कलरलेस होता है कि किस कलर का होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नॉन टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटैलिक होता है, हाईली कम्बसिबल होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्या बताया मैंने, हाईली कम्बसिबल। कम्बसन आपको पता है क्या होता है, किसी चीज़ का जलना क्या होता है, कम्बसन होता है, यानी क्या होता है, हाईली कम्बसिबल होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हो गए जिसको आप लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है। और मॉलिकुलर फार्मूला मैंने बताया आपको कि H2 होता है, डायटोमिक गैस होता है ये, ठीक है। और कहीं से कोई इश्यू आएगी आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मैं घर पर ही हूँ लेकिन सपोर्ट आपको करूँगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन गैस, क्या पढ़ना हम लोगों को, मेथड्स, वी हैव टू डिस्कस मेथड्स, किस किस मेथड से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को, इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला जो मेथड है हम लोगों का, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन, मेटल से नॉन मेटल मैंने पढ़ाया था आपको, रिएक्शन मैंने बताया था कि जब मेटल का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल का रिएक्शन करते हैं H2O से, तो क्या हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यानी हाइड्रोजन गैस कैसे बन सकता है। पहला
एट नॉर्मल टेम्परेचर। वाटर का रिएक्शन किससे कराएंगे? मेटल से कराएंगे। यानी सपोज दैट हमने क्या ले लिया, एक सोडियम मेटल ले लिया हमने, ठीक है, 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा 2NaOH। कंसेप्ट को समझिएगा आप लोग, क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगा। यानी कि हमें क्या बनाना था, H2 गैस बनाना था। यानी कैसे बन गया, पहला मेथड क्या रहा हमारा कि मेटल का रिएक्शन हमने किससे कराया, H2O से कराया, तो क्या मिला हमें, H2 गैस रिलीज, यानी H2 गैस हमें मिल गया। क्लियर हो रहा है? अब जो दूसरा मेथड है हमारा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी मेथड्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है हमारा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ, जो दूसरा मेथड है कि हम डाइल्यूट एसिड से हम लोग क्या करें, रिएक्शन करा दें मेटल्स का, यानी मेटल का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट एसिड से करा दें, तो भी हमें H2 मिल जाएगा। और एग्जांपल की मैं बातचीत करूँ तो अगर जेटन मेटल लिया हमने, उसको किससे रिएक्शन कराया, HCl से, यानी कि डाइल्यूट HCl से रिएक्शन किसका कराया हमने, मेटल यानी जिंक का रिएक्शन कराया, तो क्या यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन हमें ज़रूर मिलेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। क्लियर हो रहा है? क्या देखा आपने, H2 गैस रिलीज होगी। यानी हमें क्या मैन्युफैक्चर करना था, H2 बनाना था, और H2 हमें मिल गया, दूसरा मेथड था। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। दो मेथड आप लोग क्लियर हुआ। और तीसरे मेथड की मैं बात करूँ तो डायरेक्टली जिंक को हम क्या करें, मेटल को हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो भी हमें H2 मिल जाएगा। अगर मैं लेता हूँ जिंक और इसका रिएक्शन मैं किससे कर, बेस से कराना है, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, 2NaOH ले लेते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा आप लोग, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें H2 गैस ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 गैस ज़रूर मिलेगा। क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। हमें क्या, हमारा मेन मकसद क्या था, H2 बनाना, हाइड्रोजन गैस बनाना। यहाँ से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस भी हमें मिल गया। समझ में आ रही है सारी चीज़ें? बहुत सारे मेथड्स हैं, और प्रयोगशाला में अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं इसको। किस मेथड से बताता हूँ आपको, बिल्कुल टेंशन मतलब सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होंगी, कहीं से कोई इशू नहीं आएगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। इसका भाई, जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ZN प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो हमें क्या मिले, यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर हुआ? यानी H2 गैस हमें बनाना था, H2 गैस यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। ये कुछ मेथड से बनाने के, हाइड्रोजन गैस बनाने के, आप लोगों को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या हमें पढ़ना है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, नॉन मेटालिक, हाईली कम्बस्टिबल होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब तो केमिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि धातु यानी मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, यानी कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल मैंने बताया, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप लोग, मेटल के साथ यानी कि क्या मेटल मैंने किसको ले लिया, सोडियम को ले लिया, ठीक है। जब H2 का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है उसको जानना ज़रूरी है, इसमें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2Na+H2 तो क्या बन जाएगा बताइए, 2NaH बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, 2NaH। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मेटल का रिएक्शन मैंने किससे करा, हाइड्रोजन से, क्या बना, 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और कैल्शियम से करा लो, दूसरा मेटल लेके चेक कर लो भाई, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं, Ca+H2 क्या बन जाएगा, Ca H2 बन जाएगा। यानी मेटल के साथ हमने रिएक्शन हाइड्रोजन कराया तो क्या बना, ये चीज़ें बन रही हैं, हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बना और सोडियम हाइड्राइड बना। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब इसका रिएक्शन किससे कराएं, हमने मेटल से करके देख लिया हाइड्रोजन का रिएक्शन, अब किससे करें, अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा,
और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर हम लोग इसका अगर इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यानी कि N2 ये भी एक गैस होता है, नाइट्रोजन गैस के बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन से, तो क्या बन जाएगा भाई? अरे बताया था मैंने आपको, क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, 2NH3। क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अभी मैं बताऊँगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी के ये जान लो आप कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, क्लोरीन के साथ, आपको पता होगा क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। अगर मैं इसका रिएक्शन H2 का रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा? हमें लगता है सबको पता होगा क्या बनेगा, अरे भाई हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और किससे किससे रिएक्शन, हम लोग दो तीन रिएक्शन और जान लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पढ़ ही रहे हैं तो सबसे रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन का जान लेते हैं कि क्या किससे क्या फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराता हूँ एच ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा बताइए। 2H2 यानी वाटर तो बनेगा, क्लियर हो रहा आपको? क्लियर हुआ? अब किससे रिलेशन कराएं? चलिए अब डायरेक्टली हम लोग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी की बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा यूज जान लेते हैं इसका कि यहाँ पे इसका अगर लिटमस पेपर पर हम लोग बातचीत करें तो क्या है, ये न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो इसका रिएक्शन होता है यानी कि जो इसका प्रक्रिया होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लिटमस के प्रति क्या करता है, ये न्यूट्रलिटी शो करता है, यानी एसिडिक बेसिक नेचर कोई भी शो नहीं करता ये, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, ये आपके एग्जाम में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो मैं बताऊँगा अभी, क्वेश्चन मैं कराऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजेज जान लेते हैं सबसे पहले, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यूजेज से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूजेज, ठीक है। पहला यूज मैं बताऊँ तो रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। कहाँ पे? रॉकेट फ्यूल कहाँ यूज किया जाता है? रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग्स में कहेंगे, वेल्डिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को कहाँ पर? वेल्डिंग्स में भी करते हैं, क्लियर हो रहा है? अगर बात करूँ प्रोडक्शन ऑफ HCl, अभी मैंने आपको बताया था कि HCl को प्रोडक्शन करने में भी इसका यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन हमें जैसे कह रहा है क्लोरीन से कराया, क्या बना हमें HCl बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ HCl इसका यूज कहाँ होता है? रॉकेट फ्यूल में मैंने बताया, प्रोडक्शन ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, वेल्डिंग में भी किया जाता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ओर्स, रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ओर्स में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन वॉल्यूम्स, जो गुब्बारे होते हैं उसमें भी इनका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का यूज इन वॉल्यूम्स। और एक चीज़, हाँ ये भी आप ध्यान रखो, जो हाइड्रोजन गैस होता है मच लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, यानी कि एयर से क्या होता है, लाइट होता है, यानी हल्का होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस होता है एयर से हल्का होता है, अभी तो गुब्बारे बन सकता है, तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज ये क्या होता है, लाइटर होता है रेदर देन एयर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। अगर इशू आती भी है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो 2008 में पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया भाई? 2008 में। वो क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब जलती है,
ठीक है, तो किस कलर के फ्लेम के साथ, जो फ्लेम का कलर होगा, जो हाइड्रोजन गैस बताया मैंने कम्बसिबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, तो जो लौ जलती है तो किस कलर की होती है, किस फ्लेम में? तो ऑप्शन आपका देखिए दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है येलो फ्लेम, दूसरा है ग्रीन फ्लेम, तीसरा है ब्लू फ्लेम और चौथा है ग्रीन एंड येलो। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड सही होगा, यानी ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है, ये जलता है, यानी नीली लौ के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया यूपी पॉलिटेक्निक में, तो बिल्कुल भी से याद रखिएगा आप लोग। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रैक्टिकल, यानी कि एकदम ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल जान लीजिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है, यानी कि जो H2 गैस होती है, समझिएगा क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में नहीं मिलती, फ्री स्टेट में नहीं मिलती, क्यों क्यों हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, इसको जान लीजिए। ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, यह वायु से हल्की होती है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लाइटर देन एयर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है, हाईली फ्लेमेबल होता है इसलिए, तीसरा ऑप्शन क्या है, मोर रिएक्टिव, तीसरा ऑप्शन क्या है, मोर रिएक्टिव, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दी एबव। तो अगर जो ऑप्शन में बताऊँ तो हाइड्रोजन गैस, समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, जो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में नहीं मिलती, बिकॉज क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होती है, क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, ऑप्शन कौन सा था, फोर्थ वाला होगा, मोर रिएक्टिव, यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए क्या होती है, फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे से नोट्स बनाइए, अगर जिसको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आए कि विनय सर का क्लास चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, नेचुरल गैस से, देखिए क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन H2 प्राप्त करने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से लाइव क्लास में, जा करके जरूर देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से एकदम क्वेश्चन फिक्स होते हैं और कोई दिक्कत नहीं आई कैटलिस्ट में, पूरा जाकर देखिए कंसेप्ट आप लोग। तो किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है निकिल, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम PT, तीसरा ऑप्शन है MnO2, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, MnO2, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। तो आपको पता होगा निकिल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कैटलिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, निकिल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखिए दमदार क्वेश्चन, आपको पता भी होगा ये, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रियल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका वाटर गैस, वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस का फॉर्मूला बताइए, तो मैं 2 सेकंड के लिए शांत हो रहा हूँ, आप लोग बताइए वाटर गैस क्या होता है, बताइए फॉर्मूला बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया हुआ है CO+H2, ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, CO2+H2 वाटर गैस का फॉर्मूला, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका CO+H2O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CO+H2O, चलिए तीनों में से बताइए, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा वाटर गैस का फॉर्मूला, वाटर गैस का फॉर्मूला आपका CO+H2O होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा बट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बातचीत करूँ, तो हाइड्रोजन गैस की प्रकृति, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या है, इसका नेचर कैसा है। पहला ऑप्शन है
एसिडिक, बताइएगा आप लोग। दूसरा बेसिक, तीसरा बोथ, चौथा चौथा ऑप्शन आपका नीदर, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, कौन सा ऑप्शन होगा? हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, जो हाइड्रोजन गैस तो ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता है। लिटमस के प्रति क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, मैंने बताया आपको भी। ये भी क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, 3 बार पूछा गया है। कितनी बार भाई? 3 बार, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस तो ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, न्यूट्रल होता है लिटमस के प्रति, यानी इंडिकेटर, ठीक है, यानी क्या होता है ये? न्यूट्रल होता है। ये रहे आपका हाइड्रोजन गैस। अगले वीडियो हम लोग नाइट्रोजन गैस को डिस्कस करेंगे और एक 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 गैस को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मैं घर से ही ऑफिस एट होम वर्क एट होम करके आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का आप लोगों का काम इतना है कि चैनल को एकदम ज़बरदस्त उड़ाइए। उड़ाने का मतलब क्या है कि हर बच्चे के पास विनय सर का वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी डायलेमा में हैं कि अरे सर कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग श्योर हो जाइए कि रियल कॉन्सेप्ट पर रियल चीज़ें मिलेंगी, कोई वर्चुअल चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, हर बच्चा कमेंट करेगा क्लास कैसी रही। अगला वीडियो हम लोग नाइट्रोजन गैस पर डिस्कस करेंगे, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड पे, हाइड्रोजन क्लोराइड पे, और जितने भी गैसें हैं सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं घर से ऐसे आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और लाइव क्लासेज 11 बजे फिजिक्स चलती हैं, जरूर अटेंड करिए, और मैथ की क्लासेज भी चलती हैं और अटेंड कर लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट शेयर एज मच एज पॉसिबल।